नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल छाया हुआ है, ऐसे में पार्टियों की प्रदेश में जनता को अपनी तरफ करने नेताओं की चुनावी रैली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने जनसभा संबोधन में कांग्रेस पर तीखा हमला किया। अमित शाह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि राजनीति में परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस पर हमलावर रही है, इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। कमलनाथ को टारगेट करते हुए अमित शाह कहते हैं, कांग्रेस कमलनाथ को सीएम बनाना चाहती है, लेकिन वो उनके बेटे नकुलनाथ को सीएम बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, गृहमंत्री आगे कहते हैं कि सोनिया गांधी का उद्देश्य अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की जनता को विकास के रास्ते पर पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की बीजेपी सरकार ले जा सकती है। अमित शाह ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस ने कई सालों तक मध्य प्रदेश को अंधेरे में रखकर बीमारू राज्य बनाया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया। वो कहते हैं, कांग्रेस को जब जब शासन मिला उन्होंने अपने घर भरने का काम किया और बीजेपी ने विकास का काम किया। जो है ना, जिनको कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, कांग्रेस तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, परंतु कमलनाथ जी का उद्देश्य मध्य प्रदेश की जनता की भलाई नहीं है, नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, और सोनिया गांधी का उद्देश्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि 9 साल में 60 करोड़ गरीबों के जीवन में उजाला लाने का काम किया है, साथ ही 65 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया है, और मध्य प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 93 लाख से ज्यादा किसानों को बीजेपी 12,000 रुपए हर साल देने का काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।